हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2017, 18 और 19 का पेपर है, इनोवेशन इन एजुकेशन। ये ऑप्शनल पेपर है जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो शेयर करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 3 घंटे की टाइमिंग है और इसका मैक्सिमम जो मार्किंग है वो 40 नंबर की है। और सबसे पहले देखिए, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न हल कीजिए। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, की तरफ आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ए है वो है, आत्मानुभूति क्या है। इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी टाइप की लिखनी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 16 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर बी, शांति निकेतन की विशेषताएँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर सी, भूमिका निर्वहन क्या है। क्वेश्चन नंबर डी, आपदा प्रबंधन के उपाय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, स्वयं के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर एफ, पॉजिटिव पेरेंटिंग, सकारात्मक लालन पालन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, पेपरलेस कक्षा, कागज रहित कक्षाओं की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर एच, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूर सम्मेलन की विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जो कि यूनिट 1 है। और पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का, नवाचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तकनीकी, वैज्ञानिकी तथा सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए नवाचार के क्षेत्र तथा आवश्यकताओं की संक्षिप्त में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यूनिट 1 का ही, नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को संक्षिप्त में लिखिए। इन बाधाओं को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। यूनिट 2 में आ जाते हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। समावेशी शिक्षा में नवाचारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वनस्थली विद्यापीठ के विषय में विस्तार से बताइए। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, 6-6 नंबर के आपके क्वेश्चन है यूनिट वाइज। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सहकारी अधिगम को परिभाषित कीजिए। सहकारी अधिगम की विशेषताओं तथा महत्व पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन कौशल क्या है, प्रमुख जीवन कौशलों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8, 6 नंबर के ये क्वेश्चन है आपके यूनिट वाइज जो है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ई लर्निंग को परिभाषित कीजिए। ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूप तथा शैलियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक स्वायत्तता क्या है, शिक्षक स्वायत्तता के महत्व तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त में बताइए। ये हो गया आपका 2017 का क्वेश्चन, इनोवेशन इन एजुकेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर जो है वो 2018 का। 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, इनोवेशन इन एजुकेशन ऑप्शनल पेपर। और 40 नंबर की मार्किंग है, 3 घंटे की टाइमिंग है,
और कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना कंपलसरी होगा, वो अनिवार्य होगा। और वीडियो अगर लाइक आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से प्रत्येक को संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, नवाचार क्या है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेट और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपदा प्रबंधन के लिए शिक्षा। जीवन कौशल शिक्षा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्या भवन उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 6, सहकारिता अधिगम रणनीतियाँ क्या है। 2017 में सहकारिता वाला क्वेश्चन आया था, वो यूनिट में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, और ये देखिए शॉर्ट में आ गया है। शिक्षा में नाटक की क्या उपयोगिता है। यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन, नवाचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शैक्षणिक नवाचार के चरणों को स्पष्ट कीजिए। दीवार विहीन कक्षा कक्ष से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक नवाचार में इस अवधारणा की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यूनिट 2, शांति निकेतन के विषय में विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा में नवाचार में CASE बड़ौदा की क्या भूमिका है। यूनिट 3, आंगनवाड़ी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। किस प्रकार शिक्षा में नवाचार इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संगी साथियों द्वारा अधिगम और शिक्षण क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यूनिट 4, मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की शिक्षा में क्या उपयोगिता है।
2019 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि है संक्षेप में निम्नलिखित के उत्तर देना है। जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला है शिक्षा में नवाचार को, शिक्षा में नवाचार क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षा में नाटक का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन नंबर बी है। शिक्षा में नवाचार में विद्या भवन उदयपुर की भूमिका, क्वेश्चन नंबर डी। SNTD विश्वविद्यालय, क्वेश्चन नंबर ई। संप्रत्य मानचित्रण से आपका क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर एफ। पृष्ठविहीन कक्षा क्या है, पृष्ठविहीन कक्षा क्या है, क्वेश्चन नंबर जी। वन बालवाड़ी का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर एच। आभासी वास्तविकता को परिभाषित कीजिए। फिर यूनिट वन में आ जाते हैं। यूनिट वन का पहला क्वेश्चन जो है, आप नवाचार से क्या समझते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में नवाचार का उपयोग कैसे करेंगे। फिर यूनिट वन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार दीवारों के बिना कक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। यूनिट थर्ड, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, वनस्थली विद्यापीठ शिक्षा में अभिनय प्रयोग करने के लिए क्यों प्रसिद्ध है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सहकारी शिक्षण रणनीतियों से आप क्या अभिप्राय है, किन्हीं दो रणनीतियों का वर्णन कीजिए। टिप्पणी करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेवन में, आंगनवाड़ी और जीवन कौशल शिक्षा। फिर आ जाते हैं यूनिट फोर पर, त्रिआयामी अधिगम क्या है, कक्षा शिक्षण में त्रिआयामी अधिगम की भूमिका पर चर्चा कीजिए, क्वेश्चन नंबर नाइन। स्वयं क्या है, शिक्षक पक्ष बदलने में इसकी भूमिका पर चर्चा।